खबर है मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर जिले के संवेदनशील क्षेत्र ग्राम गांगुलपारा, जो कि आदिवासी बाहुल वनांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, यहां पहुंचकर बच्चों, ग्रामीणों एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निःशुल्क पाठशाला का प्रारंभ किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर उन्हें संविधान के बारे में, अधिकारों के विषय में, सरकार की योजनाओं के विषय में और स्वास्थ्य, व्यक्तित्व सहित विकास, विशेष तौर से बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा परिचर्चा करी गई। आदर्श दान पात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से इन्हें स्टेशनरी किट, गर्म कपड़े एवं जरूरतों की सामग्री का वितरण किया गया। आदर्श दान पात्र सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष राहुल वैद्य ने जानकारी देते हुए कहा कि जन सहयोग एवं टीम के सदस्यों के सहयोग से विगत 3 वर्षों से यह मुहिम चलाई जा रही है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद की जाती है। खासकर जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई को लेकर आदर्श दान पात्र सेवा समिति सजगता से अपनी मुहिम में लगी हुई है। मैं राहुल वैद्य, आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। आज संविधान दिवस है 11/26 को, क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं? जी, आज आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश एवं जन सहयोग से आज 26 नवंबर, जो कि संविधान दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष इसे मनाता है, और इस अवसर पर आदर्श दान पात्र सेवा समिति द्वारा गांगुलपाला जो इलाका है, जो कि वनांचल एवं पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, वहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके साथ हम लोगों ने इस दिवस को मनाया। वहाँ पे हमने निःशुल्क पाठशाला का प्रारंभ किया है, जहाँ बच्चे एवं ग्रामीण जन एवं समिति के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित रहे, एवं हमारी एक मुहिम चल रही है जो कि हम शिक्षा, बच्चों की शिक्षाओं को गोद लेते हैं, जो कि बच्चा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो बच्चा जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षाओं को हम गोद लेते हैं, ताकि वह उनकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे खेल कूद से, चाहे किसी भी एक्टिविटी से वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, ऐसे बच्चों की हम लोग सभी बच्चों की मदद करते हैं। इस तरह के कार्य आपके द्वारा कितने वर्षों से और कब से किए जा रहे हैं? निरंतर सर, ये तीन वर्षों से किया जा रहा है। इसके लिए क्या आपको कोई सहयोग जो है वो शासन की ओर से मिलता है या फिर आप ही अपनी ओर से करते हैं? जी सर, इसे कहा जाए तो एक हम आप सभी के ही द्वारा इस समिति को चलाया जा रहा है। शासन की ओर से हमें ऐसी कोई भी सहायता राशि की ऐसी कुछ मिलती नहीं है। जन सहयोग से चल रहा है? जी बिल्कुल, यह कार्यक्रम पूरा जन सहयोग से चल रहा है और निरंतर चलते रहेंगे। शासन से क्या मांग रखते हो? आपकी ये दान पत्र आप चला रहे हो तो शासन से कुछ है, आपकी अपेक्षाएं हैं? जी बिल्कुल, अगर शासन को अगर हमारा काम पसंद आ रहा हो या फिर उनके नज़र में हमारे काम की अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि ये समिति वाले अगर अच्छे कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम जो हमारी जो क्रिएटिविटी जो चल रही है बच्चों के द्वारा, हमारे टीम्स के द्वारा, तो लोगों तक इसकी पहुंचे और लोग इसमें जुड़कर और अच्छे से अच्छा इसका और काम कर सके, योजना का लाभ उठा सके। जी जी बिल्कुल, शासन के योजना का लाभ भी उठा सके। आदर्श दान पात्र सेवा समिति अध्यक्ष, संवाददाता भास्कर भारद्वाज, बालाघाट मध्य प्रदेश।